लाइव शीट दे दीजिए। अच्छे से समझ में आ रहा है ज्योमेट्री आप लोगों को? नहीं आ रहा है, क्यों? पढ़ी नहीं है तब कहां से आएगा? चलिए कोई बात नहीं। किसको किसको? हाँ कहाँ ना है मतलब? नहीं समझे हम, कहाँ क्या हुआ? नहीं समझे हम। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहां तक हो गया है? 140, 143, आइए 144 लगाइए। लाइट अभी आ जा रही है तो स्टार्ट कर रहे हैं, रुक जाइए, तब तक 144 पढ़ते रहिए आप लोग। नहीं मैं कराऊंगा अभी, रुकिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या आप लोगों का? मौन व्रत करवा दूं आज क्लास में? चलिए आप लोग सीरियस हो जाइए, हाई स्कूल इंटर की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पर, इससे आपका भविष्य बनने वाला है। चलिए, माना कि ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है जिसमें ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। यदि बीओडी 15 डिग्री तो एंगल एबीसी का मान कितना अंश का होगा, ये पूछा गया है। अभी आप परेशान ना हो, केवल आप टारगेट करिए अर्थमेटिक वाले सेक्शन को। जो भी नए बच्चे हैं अब इसके लिए परेशान ना हो, चाहें तो जा भी सकते हैं लेकिन बैठे रहिए, थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो जो बच्चे हैं नए वो केवल अर्थमेटिक वाली चीज़ों को कवर करें, जो छूटा है उसको अच्छे से देख लीजिए। जनरेटर चला नहीं अभी? अनिल को बोलिए, अनिल को बोलिए, अनिल ये भी अनिल और करियर कोचिंग वाले भी एक अनिल। चलिए लगाइए, तब तक अभी लाइट आ जाने दीजिए, पीछे की एलईडी चालू हो जाए फिर करवाऊंगा, समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा भी फिगर बनाइए, आंसर 150 आया होगा, आया ना? आपको लग रहा है कि वहां 150 डिग्री का एंगल कैसे हो जाएगा, भले फिगर आपका गलत है लेकिन आंसर क्या आया है? सही आया है। ठंडी में लेट स्टार्ट होता है, पहले ऐसी दिक्कत नहीं, अब मार्च से जब एसी वैसी चलने लगेगी तो बड़े वाले जनरेटर पे सारा सिस्टम हो जाएगा। अभी कोरोना के कारण तेल बचाया जा रहा है, बताया था मैंने, ये वाला जनरेटर जो बड़ा वाला है वो खून पीता है, इसलिए उससे निकाल दिया गया कनेक्शन। एक वे घंटे में 25-25 लीटर डीजल चला जाता है, तो अभी जिस जनरेटर से ये कनेक्ट है 6-7 लीटर डीजल खर्च होता है उसमें, तो उसको मैनुअल स्टार्ट करना पड़ता है जाकर। तो अभी कोचिंग से नीचे उतरेंगे, जाएंगे, स्टार्ट करेंगे फिर। आप लोग क्वेश्चन लगाइए आगे, आप लोग क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्वेश्चन लगाइए। अभी तो झेलना पड़ेगा ज्योमेट्री, कुछ लंबा समय चलेगा, ठीक है? चलिए आ गया जनरेटर, स्टार्ट हो गया। आइए देखिए 144, हम सीधे त्रिभुज बना लेंगे। नाम क्या है इसका? एबीसी। ओ इसका क्या है? अंतः केंद्र है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। डी बी सी पर एक बिंदु है और इस प्रकार से है कि OD परपेंडिकुलर टू क्या है? आपका BC है। BOD जो दिया है वो 15 डिग्री दिया हुआ है। अब ये 15 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये क्या? 75 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र का निर्माण कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु से होता है। तो ये रेखा जो BO होगी, आप 100% श्योर होंगे कि क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर होगी। तो ये अगर 75 तो अपने आप ये भी 75 होगा। तो ये कोण जो आपसे ए बी सी पूछा है वो 150 डिग्री है। अब आपको लग रहा है कि ये तो फिगर कैसे बन गया कि यही 150 दिख रहा है, ये तो 150 है नहीं, इसका मतलब ये फिगर गलत बना है।
लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या आया है, सही आया है। सही फिगर अगर बनाना है तो वो ऐसे बनेगा। और जनरली कोई भी ऐसे नहीं बनाता पहली बार में, हम भी नहीं बनाए हैं, कोई नहीं बनाता ऐसे। सबसे पहले तो हम लोग जनरल ट्रायंगल यही लेके काम चलाते हैं ना, इसमें ट्रायंगल ये वाला है, ए है, ये बी है और ये सी है। ओ इसका क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया ये 15 डिग्री, ओ इन सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा हुआ है तो ये 75 होगा, तो ये भी क्या, अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ ये ठीक है 150। देखिए इसी में बहुत सारे बच्चे डाउट में थे, कई लोग एकदम हंसी खुशी आगे बढ़ गए होंगे, ध्यान ही नहीं दिए होंगे, बहुत लोग नहीं ध्यान देते। कितने लोग इतने पे ही आंसर दे के निकल लिए थे आगे, हाथ उठाइए। और कितने लोग ध्यान दिए थे यहाँ पर कि ये फिगर गलत बन रहा है, ध्यान दिए थे आप लोग, गुड, चलिए कोई बात नहीं। ध्यान नहीं भी दें तो भी आंसर हमारा क्या है, सही है। हमें अंत केंद्र वाली प्रॉपर्टी उठानी है तो एंगल बाइसेक्टर वाला फिगर आपका बनेगा, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, हो गया काम आपका कंप्लीट। आइए इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है 145। आइए चलिए देखिए, YouTube पर जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, ए बी एक वृत्त की जीवा है और पी ए टी वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है, बी ए टी 75 डिग्री और बी ए सी 45 डिग्री, सी वृत्त पर एक बिंदु है, फुल स्टॉप लगा के या कॉमा लगा के, सी वृत्त पर एक बिंदु है तो एंगल ए बी सी का मान क्या होगा। ये देखिए फिगर बनाइए, ए बी एक वृत्त की जीवा है और पी ए टी, पी ए टी इसकी एक स्पर्श रेखा हो गई, मान लिया ये ए बी हो गई, ए बी एक जीवा हो गई और पी ए टी इसकी एक स्पर्श रेखा हो गई। बोला गया है बी ए सी 45 डिग्री, सी वृत्त पर एक बिंदु है, सी आप यहां भी ले सकते हैं स्वतंत्र है और सी आप यहां भी ले सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि सी यहां होगा कि सी यहां होगा, लेकिन सी यहां ले लेंगे इस पर, इस आर्क पे लेंगे, इस चाप पे लेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा और इस चाप पे लेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा, लेकिन एग्जाम में जो आंसर दिया था वो इस पर लेकर दिया था, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं आप यहां भी सी ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं डाला है ना यहां पर कि इधर है कि इधर है, तो सी आपके एग्जाम में यहां लेके दिया हुआ था लेकिन यहां भी लिया जा सकता है। खैर मैं दोनों तरफ से करूंगा, दिखाऊंगा आपको क्या दिया हुआ है, आपका बी ए सी 45 डिग्री, बी ए सी ये 45 डिग्री, इसको मिला दीजिए यहां से, बी ए टी कितना है 75 डिग्री, आपसे पूछा गया है ए बी सी कितना होगा, ये कोण कितना होगा, बहुत सिंपल है 75, तो बेटा ये भी 75, कोई बोलेगा नहीं मैं पूछूंगा, चलिए आप बताइए ये 75 तो ये 75 क्यों। हाँ गुड, कॉर्ड और एंगल के बीच बना एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के इक्वल होता है, तो ये 75 तो ये 75 हो गया, ये 75 ये 45 तो ये कितना 60, ठीक है सही बोले हैं ना आप लोग, ठीक है सही है 60 हो गया, यही आपका आंसर है, एग्जाम में भी यही आंसर दिया हुआ था। अब आइए, अब हम लोग स्वतंत्र हैं कि हम सी यहां भी ले सकते हैं, भाई ए बी सी ठीक है सी यहां भी हो सकता है, तो आइए सी यहां करते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि आप ऐसे ही टेंजेंट ले रहे हैं, यहां से क्यों नहीं ले लिए हैं, किसी के मन में आएगा यहां से क्यों नहीं ले लिए हैं, भाई किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन जब आप ज्योमेट्री पे प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से अगर टेंजेंट ले लेते हैं तो हमारे लिए फिगर थोड़ा सा सुविधाजनक दिखाई देने लगेगा, तो जहां से अच्छे से बढ़िया से फिगर बन रहा है वहीं आप टेंजेंट लेके बनाइए, आप इसके लिए इंडिपेंडेंट हैं, आप टेंजेंट तो कहीं भी ले सकते हैं अगर बोला है तो, ठीक है हमने यही ले लिया टेंजेंट, ठीक ठीक। अब देखिए ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये पी है और ये टी है, सी अगर हम यहाँ कर दें तो अभी तो ये कितना डिग्री है 75, सी अगर हम यहाँ ले लेंगे तो ये एंगल कितना हो रहा है बताइए, 45 दे रखा है
दिया है ना 45, ये 75, ये 45, तो ये कितना 30 होगा। और बच्चों ये 30, तो फिर बताइए कौन 30 होगा, ये 30 होगा। क्यों? जीवा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वित्त खंड में बने कोण के बराबर होगा, ये 30। तो ये 30, ये 45, तो बताइए ये कितना 100। ये आपका आंसर। या डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ए क्या पूछा है हमसे, ए बी सी, बस अच्छा ये पूछा ही नहीं है, यही पूछा है हमसे, तो ये क्या हो जाएगा 30, सीधे सीधे ये 30 आ गया। तो 30 ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं है ना ऑप्शन में, इसका मतलब इधर से सी नहीं लिया है, सी कहां लिया है, यही लिया है, यही फिगर हमारा क्या है सही है। 30 भी होता तो इसको भी सही मानना पड़ता हमको, ठीक है, क्योंकि ये भी फिगर हमारा सही है। आप हमारी बात समझ पाए हैं, समझ में आया है, चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, मिटाऊं इसको, रियल फिगर ये, इससे आपका आंसर मैच कर रहा है, ये भी सही है फिगर, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसी को माना जाएगा कि यही सही है, मिटा दूं। अनिल ये देखिए, चेंज कराइए 146। ट्रायंगल है, नाम है इसका एबीसी, और एसी पर कोई बिंदु डी है, यहां कोई बिंदु डी है, यदि पी क्यू एक्स वाई क्रमशः ए बी बी सी ए डी डी सी के मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु लीजिए, इसका मध्य बिंदु पी, इसका मध्य बिंदु क्यू, इसका मध्य बिंदु एक्स, इसका मध्य बिंदु वाई। तो पूछा गया है बताइए पी एक्स और क्यू वाई में क्या अनुपात होगा, ये पी एक्स है और ये क्यू वाई, इसी में आपसे अनुपात पूछा गया। तो सुनिए इसको करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप बी को डी से मिला देंगे। अब आप हमको ये बता दीजिए क्या पी एक्स बी डी का हाफ और पैरेलल होगा, मध्य बिंदु प्रमेय, ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, पी एक्स क्या है मध्य बिंदु है किसके, ए बी एवं ए डी के, सही है कि नहीं, तो बताइए क्या होगा आपका पी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बी डी होगा, होगा। अब ये वाले ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल बी सी डी में, तो इसमें क्यू और वाई मध्य बिंदु हैं किसके, बी सी और बी सी एवं सी डी। अब बोलिए बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, क्या क्यू वाई इज इक्वल टू 1/2 बी डी होगा, समीकरण एक और ये दो लिख दीजिएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम MPT, MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक, MPT शॉर्ट नेम लिख लीजिए, कितना लंबा लिखेगा, MPT मतलब हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा, समीकरण एक तथा दो से सीधे PX बराबर क्या QY, यही आपका आंसर है, PX बराबर QY, इसी में रिलेशन पूछा है, क्या पूछा है रेशियो पूछा है, हाँ तो PX इज टू QY इज इक्वल टू क्या 1:1, ये आपका आंसर है। अब बच्चों लिखने में तो टाइम लगेगा ही, ठीक है, तो आप ओरल भी बोल चुके थे कि PX और QY क्या थे, दोनों बराबर थे, आप ओरल बोल चुके थे PX और QY दोनों बराबर है, आ रहा है समझ में, डी से क्या मतलब हमको बाबू, मध्य बिंदु प्रमेय होता क्या है बताइए, हाँ तो अब आप आ जाइए ए बी डी में आइए, कोई बिंदु होने दीजिए, उससे हमको मतलब क्या है, हम ए बी डी में बात करते हैं, ए बी डी दिख रहा है आपको,
ए बी डी में पी और एक्स क्रमशः ए बी और ए डी के मध्य बिंदु हैं, तो क्या पी एक्स हमारा बी डी के पैरेलल और हाफ होगा? हाफ होगा। कौन सा त्रिकोण मध्य बिंदु? डी से हमको क्या मतलब? ए बी सी में ए सी का कोई बिंदु डी है तो डी से क्या लेना देना? कहीं कोई बिंदु हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो दो त्रिभुजों में रिलेशन दिखाना है, बी डी से रिलेट कर देना है कि 1/2 बी डी के दोनों इक्वल है तो आपस में वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमारा काम केवल इतना ही है। नहीं, मध्य में लिया ही नहीं मैंने। क्या बोला? डी ए सी पर कोई बिंदु है, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए सी। आ गया समझ में? चलिए आइए, समझ में क्यों नहीं आया? मध्य बिंदु प्रमेय आपको पता है? हाँ, नहीं पता है, बेसिक छूट गया है आपका। चलिए, ये बच्ची, इनकी क्लास मैक्सिमम छूट चुकी है लेकिन ये जिद पकड़ी रहती है, नहीं हमको सीखना है इसलिए पूछती रहती है, और इनको मैं बता भी देता हूँ। चलिए, लेकिन मन नहीं करता बताने का। अब हम मध्य बिंदु प्रमेय कहाँ से जाके बताएं वापस से? अब आपको मध्य बिंदु प्रमेय नहीं पता है। चलिए, लेकिन फिर भी सीखने की आपकी इच्छा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। चलिए देखिए, मैं मध्य बिंदु प्रमेय भी बता दूंगा। देखिए, मिड पॉइंट थियरम, कोई त्रिभुज है, नाम है इसका ए बी सी, मान लिया पी और क्यू इसके क्या है? मिड पॉइंट है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है किसी त्रिभुज की, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। पढ़ा होगा आपने, कहीं पढ़ी है आप? चलिए याद कर लीजिए, इसको अनिवार्य है क्योंकि बहुत बार हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग कर चुके हैं, तैयार होना चाहिए आपका ये। अब देखिए, यहां पर बोल रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ए सी का कोई भी बिंदु है। फिर बोला गया है ए बी पर, ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, ए डी का मध्य बिंदु एक्स है, और डी सी या सी डी का मध्य बिंदु क्या है? वाई है। आपसे पूछा गया है पी एक्स और क्यू वाई का रेशियो बताइए। ये तभी बता पाएंगे जब यहां से इसको कंस्ट्रक्शन करके मिला देंगे। फिर हम त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे तो पी और एक्स इसकी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं कि नहीं बताइए? है बच्चे? हाँ ना, कुछ बोलिए। है, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सामने वाले के समांतर और उसकी आधी होगी, तो पी एक्स बराबर बोल देंगे 1/2 बी डी। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में आएंगे, नाम क्या है इसका? बी सी डी है। इसमें बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और डी सी का मध्य बिंदु वाई है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इससे समांतर और उसकी आधी होगी। ये भी इससे समांतर और आधी थी, तो वही मैंने लिखा हुआ है क्यू आई बराबर 1/2 बी डी लिख दिया है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो पी एक्स बराबर क्यू आई आएगा, या पी एक्स और क्यू आई का रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा। आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 147। देखिएगा 147, 147 देखिए। देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। एक समकोण त्रिभुज में समकोण की निकटवर्ती समझ रहे हैं, भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर लंबी है, तदनुसार लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? यही आपका समकोण त्रिभुज है। निकटवर्ती भुजाओं के बीच की जो लंबाइयां हैं वो 3 और 4 सेंटीमीटर है, यहां समकोण बन रहा है, समकोण के निकटवर्ती है ये दोनों 3 4। तो बच्चे ये 5 लंब केंद्र, इसी को तो बोलेंगे, यही लंब केंद्र कहलाता है, ऑर्थो सेंटर, सबको पता है। और कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा बताइए? परिकेंद्र होगा, सर्कम सेंटर। अब लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछा है, तो बच्चों ये बताइए, परिकेंद्र यहां ले लिया तो क्या ये 2.5 और ये 2.5 में नहीं बटेगा? शीट 1 में ही हम आप तो थियरी बताए थे एक, कि अगर ये और ये बराबर है, और इसको आप कहां से मिलाए? यहां से मिलाए, इससे मिलाए, मतलब जहां समकोण बनाए उससे मिलाए, तो ये भी दूरी क्या होती है? 2.5 ही होती है। पढ़ चुके हैं ये शीट 1 में, पढ़े होंगे आप लोग शीट 1 में। तो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी से निकल के आता है? वही परिकेंद्र वाली प्रॉपर्टी से। ये भी आपकी परित्रिज्या, ये भी परित्रिज्या, और ये भी क्या हो जाएगी? परित्रिज्या। अगर सर्कल खींच लें
तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो ये भी कैपिटल आर, तो ये भी 2.5, तो 2.5 ही तो हुआ आपका लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी। डायरेक्ट आंसर क्या देंगे, पॉइंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो यहां डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं लिया जाएगा, पॉइंट पॉइंट के बीच डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाहे जैसा हो जाए, पॉइंट को पॉइंट से मिलाइए, वही डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच की, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट को पॉइंट से मिला लीजिए, देख लीजिए डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपका सर्कम सेंटर है और ये आपका ऑर्थो सेंटर है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज कितना 2.5, तो दूरी क्या हो गई, लंब केंद्र एवं परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा। वो होता है नहीं, फ्लॉप 100% फ्लॉप होगा यहां, उसके लिए क्या होता है, ये 90 होता है जो आप बोल रहे हैं, और यहां 90 है नहीं, यहां 90 है नहीं, समझिए इस बात को, और 90 रहेगा तो ध्यान से देखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपका यहीं से जाए, हो सकता है परिकेंद्र ये है, ये यहां से जा रहा है 90, समझ पा रहे हैं बात को, तो इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना होता है, समझ रहे हैं, सही है। हाँ, जब ये 90 है इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, पक्का ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं होगा, आपके मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर होने के लिए ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, ये तो जानते हैं आप ना, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलिस ट्रायंगल में ही ऐसा होता है कि ये दो बराबर भुजाएं हैं, इनके शीर्ष से ये लंब खींचेंगे तो ये मध्य बिंदु पर भी जाके मिलेगा, इसमें ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, और ये तो गिवन है कि ये दो भुजाएं बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 90 बनेगा नहीं, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, चलिए, कौन सा एरिया, हाँ एग्जैक्टली, एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा आपका, सेम कब होगा, जब ये भुजा बराबर है, परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो ये दोनों ट्रायंगल सेम हो जाते हैं, हाँ परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा सुनिए, और उसमें ये मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट, ये भी खास बात है, तब ये दो बराबर भागों में बटेगा, आया समझ में, तब ये दो बराबर भागों में बटेगा, ये आपका बराबर नहीं है और ये परपेंडिकुलर है, अभी भी ये दो बराबर भाग में नहीं है, ये इसके एरिया दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, आ रहा है समझ में, एरिया बराबर अभी भी नहीं है, एरिया बराबर कब होगा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, अब ये लंब पड़ा हुआ है और ये मध्य बिंदु पे ही जाएगा तब ये एरिया बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 148 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हर एक बच्चा देखे 148। पी क्यू आर तीन बिंदु हैं, जिसमें पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 5 और पी आर बराबर 8, ऐसे लिखा है कि लग रहा है एकदम त्रिभुज बन रहा है, क्यों, पी क्यू आर, पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 5 और पी आर बराबर 8, बनाया तो त्रिभुज ही है, जिस तरह से यह माप दिया हुआ है मिलाकर पी क्यू क्यू आर और आर पी या पी आर, लग रहा है कि यह त्रिभुज ही है, और बच्चों अगर यह त्रिभुज बन जाए तो एक वृत्त तो जाएगा ही इनके शीर्ष से, जैसा कि यह दिया हुआ है उससे लग रहा है कि एक वृत्त जाएगा, भाई इस तरह से ये लिखा हुआ है, इसका नेमिंग इस तरह से किया हुआ है कि ये पी क्यू, ये क्यू आर और ये क्या हो गया आर पी, ठीक है, आ रहा समझ में, आप कहेंगे नहीं सर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, पी क्यू क्यू आर और ये आर पी, ये इस तरीके से, ठीक है, तो एग्जैक्टली हाँ आप सही सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है, आता यही है सबसे पहले दिमाग में आदमी के, सवाल पढ़ते ही अच्छा ये तो त्रिभुज टाइप का बन रहा है, एक वृत्त तो जाएगा ही इनके शीर्षों से, तो मेरे जानकार बच्चों आप बताइए क्या त्रिभुज यहां बनेगा, त्रिभुज बनना संभव है ही नहीं, क्यों, क्योंकि तो त्रिभुज बनना तभी संभव होता है जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या हो, अधिक हो, और यहां त्रिभुज बनेगा ही नहीं,
अतः एक भी वृत्त जाएगा नहीं। आया समझ में? एक भी वृत्त जाएगा नहीं। ये क्या बनेगा? देखिए ये तीन, ये पांच, पी क्यू आर, तो बेटा ये कितना? आठ हो रहा है। ये क्या है? कैसी रेखाएं हैं, सॉरी कैसे बिंदु हैं बताइए? संगत, इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखीय बिंदु हैं। ये बिंदु कैसे हैं? पी क्यू आर संरेखीय हैं। एग्जैक्टली तीन पांच आठ और आर पी बराबर भी क्या दिया है? आठ। ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखीय हैं। ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लिखिएगा तीनों बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अतः पी क्यू आर बिंदुओं से शून्य वृत्त गुजरेंगे। पी क्यू आर बिंदुओं से शून्य वृत्त गुजरेंगे। कितने? शून्य वृत्त, शून्य वृत्त गुजरेंगे। सही है बच्चों? क्लियर है? अब आइए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। एक भी वृत्त नहीं गुजरेगा, इसका मतलब यह है एक भी वृत्त नहीं जाएगा। YouTube के कमेंट दिखाइए बच्चों के। हाँ ठीक है, रीजनिंग ऑनलाइन नहीं है क्या? हाँ वो तो बोले थे कि अनलिस्टेड करके चला जाएगा। क्यों बता, आप हमें क्यों नहीं बताएं? फिर पूछता हूं उनसे मैं। चलिए 149। ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए बी सी डी उसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ए सी डी बराबर 40 डिग्री हो तो एंगल बी ए डी का मान बताइए। देखिए ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी सी डी उसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी उसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए सी डी बराबर कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। बी ए डी आपसे पूछा गया है, बी ए डी यानी कि ये पूरा। और बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यास की बात कर गया तो ये 90 डिग्री। एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं, कहीं व्यास आए तो समझिए कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण वाली प्रॉपर्टी उठाएंगे। ये 90 हो गया, 90 40 130, तो बेटा ये कितना? 50। वेरी गुड, यही आपका आंसर होगा। ये भी आपका यहां व्यास था, हर एक बच्चा देखेगा। हो गया, सभी लोग ध्यान दीजिए, आ रहा है? चलिए आइए देखिए। अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा? 150। एक समांतर चतुर्भुज है, सवाल पढ़ दूं पहले? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी बराबर ए बी हो जाए। तब डी भुजा यदि बी सी को क्यू पर काटती हो तो क्यू बिंदु बी सी भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह आपको बताना है। फिगर बनाइए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। हर एक बच्चा देखे, नाम है इसका ए बी सी और ये डी। बोला गया है ए बी भुजा को ई तक इस प्रकार से बढ़ाइए कि बी ई बराबर ए बी हो जाए, यानी कि ये भुजा दोनों बराबर हो जाए। और आप ये भी जान रहे हैं कि ये इसके बराबर होती है। इस तरह से इसको बी ई को सेट करना है, ए बी को इतना बढ़ाना है बी ई तक कि ए बी बराबर बी ई हो जाए। अब बोला गया है तब डी भुजा यदि बी सी को क्यू पर काटे, डी ई खींचना पड़ेगा। कहां काटे? डी भुजा बी सी को क्यू पर काटे, तो बताइए क्यू बिंदु बी सी को किस अनुपात में विभाजित करेगा। नॉर्मल है, हर एक बच्चा देखेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं।
अगर इसका इसका अनुपात पता चल जाए तो इसका इसका भी अनुपात वही होगा। तो बच्चों ये अगर वन है तो ये भी वन, तो क्या ये वन सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा बताइए? तो इसका इसका रेशियो वन वन का है तो इसका इसका रेशियो भी क्या होगा? वन वन का होगा। सहमत है कि नहीं सहमत है आप लोग? कौन सा प्रॉपर्टी? सिमिलरिटी, सिमिलरिटी लगा है बताइए। ये अगर एक है तो ये भी एक होगा और ये ऑलरेडी एक होगा, तो क्या आमने सामने की अपोजिट साइड पैरलोग्राम की क्या होती है? इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये एक तो ये एक तो ये भी एक, क्वेश्चन में बोला है, तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी होगी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी होगी, कहिए तो बताऊं अलग से? क्लियर? यस सर। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, शायद आप भी नए हैं, एक ही दो दिन से आ रहे होंगे, एक ही दो दिन से आ रहे हैं, तीन चार दिन से, कोई दिक्कत नहीं, सब बेसिक छूटा है ना आपका, मत परेशान होइए, अब इसको खत्म करने दीजिए, केवल आप फोकस किस पे होइए? अर्थमेटिक पे, वो अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि अर्थमेटिक में भी आपका छूटा है प्रॉफिट लॉस, तो सब वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, और ज्योमेट्री की थियरी पड़ी होगी यूट्यूब पे, उसको देखते रहिए। थियरी वाली शीट मिली है आपको? नहीं मिली? टेलीग्राम पे पड़ी है, वहां से देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, मिल जाएगी आप लोगों को, थियरी मंगवा के नए बच्चों को दे देता हूँ थियरी वाली शीट, वैसे टेलीग्राम पे पड़ा है, आज के लिए काम वहां से चला लीजिए। चलिए देखिए, तो ये आपका वन, तो ये भी वन, तो ये भी क्या हो जाएगा? वन वन का ही रेशियो होगा। क्यों बच्चों, सही है कि नहीं? क्यू सी बटा में क्यू बी बराबर डी सी बटा में क्या होगा? बी ई। तो ये भी वन और ये भी वन, आ गया रेशियो वन इस टू वन का। ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिए, 150 का, 150 का आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे। आइए देखिए, अब देखिए 151, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि दोनों वृत्त संकेंद्रीय भी हों तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर वृत्त की एक जीवा है, 3 सेंटीमीटर वृत्त के स्पर्श रेखा का काम कर रही है, ये जीवा जो है ए बी मान लिया, 5 सेंटीमीटर वृत्त की ये जीवा है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी हो गई, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की ये स्पर्श रेखा का काम कर रही है, तो पूछा गया बताइए इस जीवा की माप क्या होगी? ये दोनों वृत्त कॉन्सेंट्रिक भी हैं, संकेंद्रीय हैं, यानी कि सेंटर इसका एक है, ओ ले लीजिए, ये पी ले लीजिए, क्या ये 3 होगा, क्या ये 90 होगा, क्या ये 5 होगा, तो ये 4, तो ये भी 4। जीवा की माप ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर हो गया? आ गया समझ में बच्चों? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 152 डू योर सेल्फ में डाल दूं? क्यों बच्चों, 152 डू योर सेल्फ में डाल देते हैं, आप स्वयं कर लीजिएगा। डू योर सेल्फ हो गया। अब आ जाएं आगे 153, देखिए 153, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी तथा एसी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार चुने गए हैं कि एडी बराबर एबी बाई 3 और एई बराबर एसी बाई 3, तो बीसी 15 है तो डी 5, डी कितना 5, डायरेक्ट बोल दिया एक बार में, 5 नहीं होगा क्या? देख लीजिए फिगर दिखाता हूं मैं आपको, ये भी डू योर सेल्फ में डाल देना चाहिए, लेकिन कर लीजिए, देखिए करवा देते हैं। ए है, बी है, सी है, डी और ई इस प्रकार चुने गए हैं इस पर दो बिंदु
कि अगर ए बी की वैल्यू बच्चों तीन है तो इसकी वैल्यू एक, समझिएगा रेशियो में दिखा रहा हूं, और ए सी की वैल्यू अगर तीन है तो इसकी भी वैल्यू एक। तो जो रेशियो इसमें है वही रेशियो इसमें भी है, पक्का बच्चों। ये एंगल क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, सिमिलरिटी लग गई। कौन सी सिमिलरिटी? साइड एंगल साइड लगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगी है भाई। करस्पॉन्डिंग साइड्स दो आपके क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, और एक उसके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो एक दोनों के लिए कॉमन है, अपने आप सिमिलरिटी हो गई। तो सिमिलरिटी हो गई तो साफ दिखाई दे रहा, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना, तब इतना बटा में इतना भी सही बात है, सही है। तो ये अगर 15 है तो पक्का ये तीन गुना, मतलब ये तिहाई, तो ये 15 तो ये तिहाई, तो कितना सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट आंसर देंगे। नहीं समझे, पहले तो सिमिलर बोलिए, सिमिलर भी हवा में नहीं बोल देंगे। इनका इंटर रेशियो बराबर होने से थोड़ी सिमिलर होगा, अभी बीच का एंगल भी क्या बोलना पड़ेगा, इक्वल है, तब जाकर ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। और जब सिमिलर हो गया तो इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा, गिवन था ही, तो इतना बटा में इतना भी हो जाएगा। मतलब ये इसका तीन गुना है, ये इसका, ये पूरा इसका तीन गुना है, तो ये इसका भी ये तीन गुना है, तो पक्का ये तिहाई, पांच आ जाएगा। ओरल बोल सकते हैं इस प्रश्न का आंसर, सही है। ये चीजें हमने ओरल ही करवाया है आपको। आइए अब 154 नंबर का क्वेश्चन लगाइए, 154। देखिएगा, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और यदि उनकी जीवाएं AC व BD समकोण E पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यदि OAB 25 डिग्री तो EBC का मान क्या होगा। ये देखिए फिगर कहां पर, मान लिया ये आपका AC हो गया और ये BD हो गया, कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, E पर। फिर बोला है OAB, ये O है, ए है और ये बी है, मजा नहीं आ रहा है। ओ ए बी, ठीक, ओ ए बी सही है, ओ ए बी ऐसे ले लें, ऐसे ले लें 25 ले लेते हैं। चलिए ओ ए बी ले लिया 25, तो आपसे पूछा गया है 25 ही है ना ओ ए बी। अब क्या पूछा गया, ई बी सी कितना होगा, ई बी सी ये एंगल कितना होगा, देखिए करता हूं। अब देखिए मिला दें, क्यों बच्चों, अब बताइएगा, ये 25 तो 25 25 25 50 तो 130, तो बच्चों सेंटर पे 130, तो शेष भाग पर 65। अब बताइए 90 65 क्या पूछा, यही पूछा है ना, 90 है ये 65 है, तो ये क्या आएगा, 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 कितना आएगा बताइए, 25, ये आपका आंसर है, ये भी 25 आ रहा है, नोट कर लीजिए 25 आएगा, आ तो रहा है 25 ही। कितने लोग पहले से करके बैठ गए थे इस क्वेश्चन को, गुड, सही है। हॉल नंबर 1 वाले बच्चे क्या हाल चाल है आप लोगों के, बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, खड़े हो जाइए आप। अंतः केंद्र किसको कहते हैं, सही है, एग्जैक्टली सही, बहुत बढ़िया, याद हो गया है ना, गुड। चलिए भाई हॉल नंबर 2 से आप खड़े हो जाइए, पीला, हाँ बताइए, आप बताइएगा परिकेंद्र किसको कहते हैं, फर्स्ट डे है आपका, तब बैठ जाइए, कोई बात नहीं। प्रॉफिट लॉस भी समझ में नहीं आया होगा आज, एकदम नहीं, एक काम करेंगे, जानते हैं क्या करना है बिना बताए, YouTube पे क्लास पड़ा हुआ है, उसको एक बार प्रॉफिट लॉस जाके सर्च करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पहली क्लास से 2-3 क्लास आज पढ़ लीजिए, 2-3 क्लास कल, ऐसे करके कवर कर लीजिए।
क्योंकि कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। बेसिक पता चल जाए थोड़ा सा एक बार तो सब चीजें अच्छे से होने लगेंगी। आप बता दिए, वेरी गुड, बैठ जाइए। क्योंकि ये इतिहास भूगोल तो है नहीं बाबू, जहां से पढ़ना शुरू करें वहां से थोड़ी समझ में आएगा, उसके लिए बेसिक पहले जानना जरूरी है। इसलिए टॉपिक का बेसिक जान लीजिए, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। आइए चलिए देखिए, अब 155 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 155। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, उसमें सी से गुजरने वाली एक सरल रेखा ए डी को आगे बढ़ाकर पी पर काटती है और ए बी को आगे बढ़ाकर क्यू पर काटती है। यदि डी पी बराबर ए बी बाई टू, तो बी क्यू तथा ए बी की लंबाई, इसको आप लोग करिए। इसके दो आंसर बच्चे देते हैं जनरली। कैलेंडर सबको प्राप्त हुआ है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं प्राप्त हुआ है? जरा इन बच्चों को प्रोवाइड करा दीजिए, अनिल कैलेंडर क्वेश्चन चेंज कर दीजिएगा, जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए, फटाफट प्रोवाइड कराइए। आप जाइए फटाफट प्रोवाइड कराइए। लगाइए, देखिए कौन बच्चा आंसर देता है। बाबू जरा YouTube के कमेंट दिखाइए हमें तो। ठीक है, 2:1 हरिओम मौर्य ने आंसर करा है, आपने भी 2:1 आंसर करा है, गुड। ठीक है, सप्तम अग्रहरी को कौन से क्वेश्चन में बाई डाउट है बताइए। राजकुमार प्रजापति, कैलेंडर सबको मिलेगा, ऑफिस से आके प्राप्त कर लीजिए आप लोग अपना कैलेंडर, ऑफिस से कैलेंडर आके प्राप्त कर लीजिए। सबको अनुराग, सबको मिलेगा, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजकुमार ने केवल आंसर करा है 2:1, सबको मिलेगा, ऑफिस से आके प्राप्त कर लीजिए, 2:1। ठीक है, आप भी लगा के लग रहा है बैठ गए हैं, 2:1। काफी सारे बच्चों ने आंसर 2:1 करा है, जल्दी आंसर करिए, 2:1 काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। सैम यादव ने आंसर करा है, अमन कुमार ने आंसर करा है, आकाश गुप्ता ने भी आंसर कर दिया, प्रयाग राज बैचलर्स, सर दिखा दीजिए कैलेंडर, दिखा दीजिए बच्चे कह रहे हैं, ये क्या दिखाने वाली चीज है भाई, उधर ही बच्चे हैं, उन्हीं को नहीं मिला, दे दीजिए। अच्छा आप ट्राई करिए, कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा, कमरे पे बैठ के ये थियरी वाला जो पार्ट है, अभी टेलीग्राम पे थियरी पार्ट, ज्योमेट्री थियरी डालेंगे तो टेलीग्राम पे शीट आ जाएगी उसकी, उसको आप लोग वहां से देखिए, एक एक चीज पढ़िए, क्या होता है कोण, क्या होता है थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, सिमिलरिटी क्या है, वो सब देखिए, और यूट्यूब पे उसका लेक्चर भी, ऐसी क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो उसको भी देख लीजिए, चीजें क्लियर होंगी। समझ रहे हैं बाबू, आप भी ऐसे करना है, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे आप ज्योमेट्री भी, लेकिन ज्योमेट्री बाद में पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में, थोड़ा बहुत जान लीजिए जब आ रहे हैं तो, ठीक है, समय बर्बाद ना हो। कैसा कैलेंडर, सब तो कैलेंडर ही बच्चे कह रहे हैं, ठीक, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों ने प्रमोद, अनु, हरिओम, रोहित, कबीर, कबीर ने 1:2 दिया हुआ है, नौनी साहू ने 1:2 दिया हुआ है, कुछ बच्चों ने 1:2, देखिए दो आंसर आ गया ना, मैं बोल रहा था कि आंसर क्या आएगा, दो आएगा बच्चों का, एक का, कुछ लोगों का 1:2 आया है, कुछ लोगों का 2:1 आया है। अब आइए चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। अब मैं करता हूं, एक आपका समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, हर एक बच्चा देखे, थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा, ये समचतुर्भुज है, नाम है इसका ए बी सी और डी। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा तो नहीं है, रुकिए और नीचे करना पड़ेगा, नाम है इसका ए बी सी और डी। क्या बोला गया है, उसमें सी से गुजरने वाली एक सरल रेखा ए डी को आगे बढ़ाकर पी पर काटती है और ए बी को आगे बढ़ाकर क्यू पर काटती है। ये देखिए,
देखिए एडी को आगे बढ़ाकर पी पर काटा है, सी से गुजरने वाली एक रेखा है और एबी को आगे बढ़ाकर कहां काटी है, ये क्यू पर काटी है। आपको पता है कि ये चारों की चारों साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी और क्या होंगी, पैरेलल। ये इससे पैरेलल, ये इससे पैरेलल, ठीक। तो बच्चों ये लाइन अगर इससे पैरेलल है तो इस पूरे के भी तो पैरेलल होगा। अब चलिए मांगा क्या है वो हम देखते हैं। मांगा है, बोला है डी पी बराबर ए बी बाई टू, डी पी बराबर ए बी बाई टू। अगर मान लिया इसकी वैल्यू चार है या इसकी वैल्यू क्या है, दो है। क्या है बच्चे, दो। तो बताइए इसकी सबकी वैल्यू दो, लेकिन जो डी पी है पक्का क्या होगा, एक। डी पी क्या होगा, एक होगा। आ रहा है बच्चों समझ में, है कोई डाउट बता दीजिए। अब हमसे पूछा गया बताइए बी क्यू और ए बी की लंबाइयों का अनुपात, बी क्यू और ए बी, बी क्यू और ए बी, बी क्यू ये है ना, बी क्यू और ए बी की लंबाइयों का अनुपात। अब सुनिए, क्या ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी नहीं, पी ए क्यू होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या बी, क्या ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए क्यू होगा। और बेटा जब ये सिमिलर है तो देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक है तो ये पूरा क्या है, तीन है। समझिए बात, ये एक है तो ये पूरा तीन, तो अगर ये पूरा दो है तो ये पूरा क्या होगा, तीन होगा, छह होगा ना, तीन गुना। ये एक तो ये इसका तीन गुना, भूल गए क्या आप लोग, यही तो शीट वन में हम लोग करते आ रहे हैं। अगर सिमिलर है दो ट्राइंगल तो सीधे हम गुना वाली चीज उठा लेते हैं, जल्दी हो जाता है, नहीं इससे पेन नहीं उठाना पड़ता। ये एक तो ये पूरा तीन, तो बेटा ये दो तो ये पूरा क्या होगा, ए क्यू। डी सी दो तो ए क्यू क्या होगा, टू, सॉरी थ्री डी सी नहीं होगा, थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स। अब बताइए बी क्यू क्या हो जाएगा, छह में से दो गया चार। अब बताइए रेशियो किसका चाहिए, बी क्यू और ए बी का। बी क्यू कितना है, चार, ए बी कितना है, दो, रेशियो कितना है, टू इज टू वन का, टू इज टू वन का। वन इज टू टू वाले जो बच्चे थे उन्होंने बिना इसको सॉल्व किया आंसर दिया था, अंदाजा लगाकर। अंदाजा वो क्या लगाए थे कि कहते हैं बच्चे ऐसे खुल के कहते हैं, सर ये एक है ये दो है तो ये दो तो ये भी तो एक होगा। बच्चे ऐसा कहते हैं कि जितना इधर उड़ेगा, मतलब जितना इधर भागेगा, जितना इधर निकलेगा उतना ही इधर भी निकलेगा। बच्चों के ये मत होते हैं, ये विचार होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। समझिए, आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ये एक तो ये भी एक, लेकिन नहीं, ये आपका कम रहेगा और ये थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होगा। क्या हो गया सर्वेश्वर जी, कैलेंडर सबको मिल गया, अब किसी को नहीं चाहिए, चलिए रखवा दीजिए। आ रहा सबको समझ में, तो बेटा ये आपका एक, ये पूरा तीन, तो ये दो तो ये पूरा छह, तो ये कितना आएगा, चार। रेशियो कितने का आ गया, दो और एक का। कई कितने लोग यहां एक और दो दे रहे थे आंसर इसी तरीके से डायरेक्ट देख कर फिगर, केवल एक दो कितने लोग दिए थे, आप दिए थे, अब मत दीजिएगा आप लोग, लगता है ऐसा लेकिन वास्तविकता से ये परे है। आपके पास आंकड़ा होना चाहिए, आंकड़े के आधार पर आप अपना रिजल्ट देंगे, ठीक है, सही है, एक दो आंसर नहीं दिया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, 156 पे आइए, 156 लगाइए। क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी, हो जाएगा, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। चलिए बच्चा क्या कह रहा है, यूट्यूब का कमेंट दिखाइएगा तो, सर लेकिन रेशियो ही तो होता है, क्या रेशियो ही तो होता है, यही तो होता है सिमिलरिटी, जो भी है। आगे आंसर 6 सेंटीमीटर, आंसर दे भी दिए बच्चे। अब 157 कल करवाऊंगा, 58 कल करवाऊंगा, 59 देख लीजिए, 59
159 हो जाएगा, 159 लगाइए बाबू, डू योर सेल्फ में डाल दिया जाए, कर लेंगे ना बच्चों। अब आइए 160 पे आइए, लगाइए 160। ओ केंद्र वाले, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी पी बिंदु पर मिलती हैं, ए ओ सी 50 डिग्री, बी ओ सी 40 डिग्री, बी पी डी कराया गया है क्वेश्चन पीछे, ऐसा क्वेश्चन हुआ है। दो क्वेश्चन ऐसे हुए, एक कॉट और टैन वाला था और एक जो पीछे क्वेश्चन था, मैंने कहा देखिए उसी पर बेस्ड है, दो क्वेश्चन ऐसा कराया, सेम ऐसा ही फिगर यहां भी बनेगा, तो डू योर सेल्फ। ठीक है, चलिए अब आइए 161 में आ जाइए, 161। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज को एबी तथा एसी भुजाओं को क्रमशः डी तथा ई बिंदुओं पर काटती है, तदनुसार ट्रायंगल एबी का क्षेत्रफल 36 है, तो एसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? कर पाएंगे बताइए, नहीं कर पाएंगे, करवा दें। चलिए ध्यान से देखिए 161, अभी ऐसे ही समझा दे रहे हैं, केवल ए बी सी है ये आपका, बी सी के पैरेलल एक सरल रेखा खींची गई है जो इसको डी और ई बिंदुओं पर काटती है, ए बी और ए सी को, ए बी ई का जो क्षेत्रफल है, ए बी ई का क्षेत्रफल कितना है? 36 है, तो ए सी डी का क्षेत्रफल भी क्या होगा? 36 ही होगा। पहली चीज ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर, दोनों के एरिया में अगर ये जोड़ देंगे, कॉमन चीज है ना, तो ये हो जाएगा ए बी, ए बी ई और ए बी ई का एरिया इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए डी सी के एरिया के हो जाएगा, तो ए बी ई का एरिया 36 है, तो ए डी सी का भी एरिया क्या होगा? 36। कल करवाऊंगा इसको, समझ में आया बच्चों? कल, आज नहीं। चले थियरी, जो बच्चे हमारे नए हैं वो थियरी वाला पार्ट कवर करें थोड़ा थोड़ा, और बाकी जो अर्थमेटिक वाला प्रॉफिट लॉस है उसको यूट्यूब से देख के कवर कर लीजिए, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है, लेक्चर नंबर 1 से देखिएगा, ठीक है? अभी सारी क्लासेस यूट्यूब पे चलाई गई है। चलिए